स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दों का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाए बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। राज्यसभा के उपसभापति का नाम तय करने का समय आ गया। उच्च सदन के उपसभापति और कांग्रेस के नेता पीजे कुरियन 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह नए उपसभापति का चुनाव होना है। राज्यसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो गई पर उसके पास बहुमत नहीं है। एनडीए की सभी पार्टियों को मिलाकर भी आंकड़ा बहुमत से बहुत दूर है। फिर भी यह चर्चा थी कि भाजपा अपनी नाराज सहयोगी शिवसेना को मनाने के लिए उसे उपसभापति का पद ऑफर कर सकती है। अगर शिवसेना तैयार हो जाती है तो घमासान चुनाव होगा। राज्यसभा के मौजूदा गणित के हिसाब से भाजपा की अपनी सीटें 69 है। शिवसेना और मनोनीत सदस्यों को मिलाकर उसकी सहयोगी पार्टियों की संख्या 23 है, यानी कुल वोट 92 बनते हैं। इसके बाद भी उसे कम से कम 30 वोट की जरूरत है। माना जा रहा है कि भाजपा को अन्ना डीएमके के 13 सांसदों का समर्थन मिल सकता है। वाईएसआर कांग्रेस के 2 सांसद भी उसका समर्थन कर सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर शिवसेना का कोई मराठा नेता उप सभापति बनेगा तो एनसीपी भी किसी न किसी तरह से उसका समर्थन करेगी। इनके अलावा 6 निर्दलीय सांसद हैं, जिनमें अमर सिंह, परिमल नाथवानी और सुभाष चंद्र भी हैं, जो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। सीपीएम से निकाले गए ऋतव्रत बनर्जी और महाराष्ट्र के संजय दत्तात्रेय ककाड़े भी समर्थन कर सकते हैं। कायदे से कांग्रेस के पीजे कुरियन रिटायर हो रहे हैं तो राज्यसभा के उपसभापति का पद कांग्रेस को मिलना चाहिए, पर मुश्किल यह है कि पिछले 4 साल में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कम होकर सिर्फ 51 रह गई। उसे जीतने के लिए कम से कम 70 दूसरे सांसदों की जरूरत। यूपीए में उसकी सहयोगी पार्टियों के पास भी सिर्फ 12 सीटें हैं, सो उसकी कुल संख्या 63 पहुंचती है। तभी माना जा रहा है कि दूसरी विपक्षी पार्टियां आपस में मिलकर कांग्रेस पर दबाव डाल सकती है कि वह अपना उम्मीदवार न उतारे। मजबूरी में कांग्रेस को अपना दावा छोड़ना पड़ सकता है। अगर कांग्रेस ने दावा छोड़ दिया और तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में उतरा तो एकजुट विपक्ष की कड़ी टक्कर होगी। तृणमूल के पास 13 सांसद हैं और उसको समाजवादी पार्टी के 13 सांसदों का समर्थन मिलेगा। इसके अलावा बीजू जनता दल के 9 और डीएमके के 4 सांसदों का भी समर्थन मिलेगा। इस तरह 39 सांसदों की मदद से विपक्ष की संख्या 102 हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी के 6, टीआरएस के 6 और आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों का समर्थन भी उसे मिल सकता है। भाजपा और शिवसेना को रोकने के लिए मजबूरी में वामपंथी पार्टियों के 5 सांसदों को भी समर्थन देना पड़ेगा। इस तरह अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो वह भाजपा को अपना या शिवसेना का उम्मीदवार जीतने से रोक सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सोमवार को जब बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम खराब हुई तो चुनाव आयोग ने कहा कि जबरदस्त गर्मी की वजह से ईवीएम व वीवीपैट मशीन में गड़बड़ी आई। अगले साल लोकसभा का चुनाव और उसके साथ कम से कम 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। ये सारे चुनाव गर्मियां शुरू होने के बाद ही होंगे। अप्रैल और मई में जब पूरे देश में तापमान बढ़ेगा तब चुनाव हो रहे होंगे। सवाल है कि अगर 1 या 2 लोकसभा क्षेत्र में गर्मी के समय हो रहे मतदान में ईवीएम और वीवीपैट खराब होने की इतनी समस्या है तो पूरे देश में क्या होगा। इसके अलावा दूसरी चिंता राजनीतिक है। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम मतदाताओं को रोकने के लिए उनकी बहुलता वाले इलाकों में साजिश के तहत ईवीएम खराब की गई। ध्यान रहे अगले साल रमजान का महीना अप्रैल के आखिरी दिन या मई के पहले दिन शुरू होगा और इसके बाद 2 या 3 चरण के मतदान होंगे। सो यह देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग आखिरी 2 या 3 चरण में किन इलाकों में मतदान कराता है। आप देख रहे हैं सोचे सोचना जरूरी। अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है उसका मतलब क्या है तो और छोर क्या कुछ है, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। पिछले 2 दशक में देश की जिन चंद संवैधानिक संस्थाओं की सर्वोच्च विश्वसनीयता बनी थी उनमें एक संस्था चुनाव आयोग है। टी एन शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त रहने के बाद धीरे धीरे इस संस्था की जबरदस्त विश्वसनीयता बनी। ये संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की गारंटी बन गई। चुनाव आयुक्तों, उनके पर्यवेक्षकों और राज्यों में चुनाव अधिकारियों ने शानदार काम किए, पर अब अलग अलग कारणों से चुनाव आयोग और उसकी साख पर बड़ा संकट आता दिख रहा है। सबसे बड़ा संकट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम की विश्वसनीयता बहाल करने का है। इसका क्या तरीका हो सकता है कि इस बारे में चुनाव आयोग को ही रास्ता निकालना है। पिछले हफ्ते देश के तमाम पुराने चुनाव आयुक्तों के साथ आयोग की एक बैठक हुई थी। इसमें चुनाव आयोग के सामने मौजूद तमाम चुनौतियों पर विचार किया गया। चुनाव आयोग ने ईवीएम पर से संदेह खत्म करने के लिए 1 साल पहले चुनौती दी थी, पर वो चुनौती इतनी शर्तों के अधीन थी कि न चुनाव आयोग ईवीएम को पाक साफ साबित कर पाया और न कोई दूसरा व्यक्ति इसमें गड़बड़ी वाला साबित कर पाया। ईवीएम के अलावा आयोग के अधिकारों को लेकर भी सवाल है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, भड़काऊ भाषणों का इस्तेमाल और धनबल के इस्तेमाल को भी रोकने में आयोग पूरी तरह से विफल रहा है।
विवाद का ताजा मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट और महाराष्ट्र की पालघर और भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट के उपचुनाव का है। इसमें कैराना के मुस्लिम बहुल इलाकों में सोमवार को मतदान के दौरान सुबह में ही ईवीएम और वीवीपैट मशीनें खराब हो गई। करीब 150 मशीनों में खराबी आई। क्या ये महज संयोग है? कम से कम आयोग यही मान रहा है। आयोग ने कहा कि गर्मी की वजह से या पहली बार इस्तेमाल की वजह से वीवीपैट मशीनों में खराबी आई, पर हकीकत ये है कि पिछले करीब एक साल से राज्यों के चुनाव में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है और जहां भी पहली बार इनका इस्तेमाल हुआ उनमें कोई गड़बड़ी नहीं आई। ये भी शिकायत की गई कि जहां महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सीटों पर मतदान हो रहा है तो चुनाव आयोग ने भंडारा गोंदिया सीट पर मतदान के लिए गुजरात के सूरत से ईवीएम क्यों मंगाई। भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने आरोप लगाया है कि जैसे पहले बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोटिंग होती थी उसी तरह कुछ लोग रिमोट लेकर ईवीएम कंट्रोल करने के लिए बैठे हैं। ये मामूली आरोप नहीं है, इससे केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग दोनों कटघरे में है। चुनाव आयोग की साख पर दूसरा सवाल इस बात को लेकर है कि वो राजनीतिक पार्टियों को अपनी मनमानी करने से नहीं रोक पा रहा। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में हर उम्मीदवार के लिए 28 लाख रुपए खर्च करने की सीमा रखी है, पर हाल में हुए कर्नाटक चुनाव के बाद एक गैर सरकारी संस्था ने आकलन करने को बताया कि राज्य में करीब 10,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी एक सीट पर औसतन करीब 50 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। राज्य में मुकाबला 3 पार्टियों के बीच था, सो एक उम्मीदवार के औसतन 15 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। चुनाव में पार्टियों के बड़े से लेकर छोटे नेता तक धर्म जाति के नाम पर वोट मांगते हैं और खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं, पर आयोग कुछ नहीं कर पाता। कर्नाटक चुनाव में ही कई जगह ऐसा हुआ, भड़काऊ भाषण के जरिए लोगों को गोलबंद करने का प्रयास किया गया। अगर आयोग इन सब चीजों को नहीं रोक पाता है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की उसकी क्षमता पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। चुनाव आयोग को लेकर और भी बहुत सी बातें हैं जिनसे आयोग का कामकाज सवालों के घेरे में है। पिछले दिनों एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार कानून के तहत राजनीतिक पार्टियों के चंदे का हिसाब मांगा था। इस पर चुनाव आयोग ने टका सा जवाब दिया था कि पार्टियां आरटीआई कानून के दायरे से बाहर हैं, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग ने 6 राष्ट्रीय पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने का निर्देश दिया हुआ है। अगर आयोग पार्टियों की आय और उनके खर्च के ब्यौरे का वस्तुनिष्ठ हिसाब नहीं रख सकता है और उसमें पारदर्शिता नहीं ला सकता है तो बाकी चीजें तो बहुत आगे की हैं। इसी तरह कर्नाटक के चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव से पहले भाजपा के एक नेता ने कर दिया था, उसका भी आयोग ने आनन फानन में जांच कर भाजपा नेता और कुछ चैनलों को क्लीन चिट दे दी। सो चाहे ईवीएम का मामला हो, राजनीतिक दलों के चंदे और उनके चुनावी खर्च का मामला हो या चुनाव की तारीखों का मामला हो, सबको लेकर आयोग विपक्ष के निशाने पर है और आम लोगों की नजरों में भी सवालों के घेरे में आया है। आयोग को इस बारे में जल्द से जल्द लोगों की धारणा बदलने के लिए कुछ काम करना होगा। उम्मीद है प्रोग्राम जचा होगा। अपनी राय, अपना सुझाव कमेंट लिखे भेजे। यदि सोशल मीडिया की कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो मोबाइल नंबर 09717748382 पर मुझे भेजें। आपसे रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे हुए सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। धन्यवाद। नमस्कार।